भाजपा के केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की अध्यक्षता में सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचते उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि गरीब को पक्का मकान मिला है। ये योजना पहले से भी थी लेकिन वो चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन आज भाजपा शासन में हर गरीब को आवास मिल रहा है और शौचालय मिल रहा है, जो कि 2014 के पहले किसी भी सरकार को ध्यान नहीं आया, जिसको अब इज्जत घर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि देश के आजादी के 75 वर्ष बाद भी यदि किसी व्यक्ति का दिन में तबीयत खराब हो जाए तो उसको शाम तक पेट पकड़कर इंतजार करना पड़ता था। हम लोगों ने गोरखपुर में ही देखा कि लोग सड़क के किनारे बैठते थे, जो कि किसी से छुपा नहीं है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा। यदि किसी को बीमारी हो जाए तो उस घर का गहना बिकता था और उसके बाद उसका घर बिकता था, लेकिन आज आयुष्मान योजना से अब हर गरीब का मुफ्त इलाज हो रहा है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव हुआ है और दुनिया में भारत की छवि बदली है, जिसका सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंजीनियर सम्मानित करें, सम्मानित करें। अध्यक्ष जी को हम साधुवाद देते हैं कि ये प्रयास बहुत ही सुंदर रहा, जहां रोज नित्य नए संगठन की बैठक हो रही है से लेके हर जगह। वैसे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष MLC विशिष्ट अतिथि के रूप में कर स्वागत मा। सुरेंद्र जायसवाल जी जो पेशे से इंजीनियर है, रुड़की से 70s के बैच में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, जबकि इनके साथ मेरा सानिध्य हुआ है तो उनसे मैं कुछ न कुछ सीखा हूँ। गीडा की कुछ समस्याओं को लेकर टेक्निकल चीज बारीकियां हमको सूक्ष्म रूप से हमेशा ये सिखाते हैं और मैं उस पर चिट्ठी पत्री करता हूँ और मैं गोरखपुर के विकास में मेरा भी गिलहरी के रूप में हमेशा योगदान रहता है, लेकिन मैं पाता सब इन्हीं लोगों से क्योंकि ये लोग सीनियर हैं यहाँ के एंड आई मस्ट लर्न फ्रॉम देम। तो जब भी इनसे मुलाकात होती हम बताते हैं, हम बताइए इंजीनियर साहब अब नई चीज क्या होगी, तो आज आपको मैं बता दूं वो चेहरा है हमारे सुरेंद्र जायसवाल जी अग्रवाल क्योंकि अब समय आ गया है फेसबुक को भी आप लोग चलाएं और अग्रेसिव चलाएं, क्योंकि वहां पर पूरा विरोधी पक्ष चुप चुका है। अगर अभी आप लोग नहीं जागेंगे 2024 में आप लोग से उम्मीद है, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी हमको कह रहे थे कि 80 में 80 सीट लिया जाएगा, तो कहीं आप लोग कमजोर नहीं होंगे, कोई आप लोगों से कमी नहीं चाहिए। ये वो समय है जहां पर हर विचारधारा के लोग, हर सनातनी विचारधारा के लोग, हर व्यक्ति जो नए भारत की रचना को देख रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जो प्रेम कर रहा है, डबल इंजन की सरकार को जो प्रेम कर रहा है, वो अपनी जान छोड़ दे ये 4-6 महीना। हर व्यक्ति सतर्क रहे, सजग रहे। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को आघात पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए सारे षड्यंत्र रोज नए रचे जा रहे हैं। कल केजरीवाल जी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ लखनऊ में मुलाकात किए, अब सोचिए कैसे दो विपरीत धारा के लोग मिल चुके हैं, तो इस तरह से पूरे देश में जुटे जा रहे हैं और ये सोचने वाला समय है। ये खाली बैठ के हर मीटिंग नहीं चला था कि मीटिंग किए और सब लोग मिल लिए, क्योंकि थी अपने शासन काल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एकात्म मानववाद की सोच थी उसको धरातल पर उतारने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि हर गरीब को पक्का मकान मिला। योजना जो पक्के मकान की पहले भी आई थी, अरे लेकिन वो चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन आज चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर गरीब के मन में पीड़ा होती है, भले ही वो पैदा छप्पर में हो, कपड़ा में हो,
भाग गए हैं। लेकिन देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे दिन में ही अगर पेट खराब हो जाए तो शाम तक पेट पकड़ करके इंतजार करना पड़ता है। और हम लोगों ने इसी गोरखपुर में अपनी आंखों से देखा है संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, वर्ग सम्मेलन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो गए। 9 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के घर घर जाने का अभियान चला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है, उनको जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। हर गरीब आदमी आम आदमी समझ रहा है, उनके अभिभावक के रूप में आदरणीय मोदी जी ने देश में उन्हें सब कुछ देने का काम किया है। दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि आसमान की बुलंदियों की ओर पहुँची है। हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले भारत की छवि दुनिया में कैसी थी, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा रहा है और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हम दुनिया की आज 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं और आने वाले दिनों में जिस ढंग से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम हो रहा है, हम 3री बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं गोरखपुरवासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपर्क महाअभियान के अंतर्गत लोकसभा सदर का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज का कार्यक्रम है, जिसको संबोधन के लिए हमारे उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय बृजेश पाठक जी आ रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम लोकसभा सदर का ही है और इस तरह से पूरे लोकसभा स्तर पर प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 14 प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश के हर लोकसभाओं में आयोजित किया गया है और उसी क्रम में आज गोरखपुर सदर लोकसभा का ये कार्यक्रम प्रबुद्ध जन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय बृजेश पाठक भी आ रहे हैं, जो इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधन करेंगे।